आते हैं, कॉलेज भी है, हायर सेकेंडरी भी है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए सर ये वो ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि जहाँ क्यों आते हैं, तो मेंडर में क्यों नहीं पढ़े? अच्छा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में? ठीक होती है पढ़ाई वगैरह है, तो इधर कोई आपको परेशानी तो नहीं है खाने का, रहने का, पीने का? सब पढ़ाई मेहनत से किया करो, ठीक है? जो अपने अपने घरों से तो क्या क्या सामान मिला इस बार? पूरा बस इतना ही सामान मिला है, और भी है डाइनिंग चेयर, डाइनिंग टेबल, कारपेट, ये कर्टेन वगैरह, रूम चेयर, रूम चेयर, स्टडी चेयर, टेबल स्टडी चेयर, अलमारी। अच्छा ठीक है, इधर खड़े हो जाओ। इसको एक काम करो, इसमें वो जाली वाला जो है ना, इसको बंद रखो, इसको बंद रखो, ठीक है? खत्म होने वाला तो उससे पहले, दो महीने पहले शुरू करो प्रोसेस। सबसे पहले हम डी सी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे हॉस्टल में आए, हमारे साथ बातचीत की, हमारे साथ मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पे फर्नीचर प्रोवाइड किया, और उसके साथ में हमें जैसे कि मैट्रेस, बाकी बेड शीट, टॉप शीट, उसके साथ में हमें ब्लैंकेट प्रोवाइड किया, और उसके साथ में स्टडी टेबल, चेयर वगैरह सब प्रोवाइड किया। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसके बाद भी ऐसे ही गवर्नमेंट हमें ऐसी चीज़ें देती रहेगी, और इंशाल्लाह हम मन लगा के यहाँ पे गुजरात के अंदर पढ़ते रहेंगे। पहले तो हमारा यही मकसद रहता है कि ये एक फैसिलिटी है जो शेड्यूल ट्राइब बॉयज़ के लिए, जहाँ बोर्डिंग है। और अभी क्या किया है कि सरकार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस हॉस्टल में कुछ फर्नीचर और फिक्चर्स जो हैं वो नए खरीद के दिए हैं, तो उन्हीं को देखने के लिए वो किस तरह से जो है इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी क्वालिटी क्या है, उन्हीं को देखने के लिए हमने जहां एक इंस्पेक्शन की है। आपने देखा होगा कि जहाँ का डाइनिंग हॉल जो है बिल्कुल ओवरहॉलिंग हो गई है, किचन की ओवरहॉलिंग हो गई है, बच्चों के जो बेड्स हैं, मैट्रेसेस हैं, या कारपेट्स हैं, तो ये बच्चों को एक बढ़िया सी फैसिलिटी जो है वो मुहिम कराई गई है। तो उम्मीद करते हैं कि जहाँ के जो वार्डन साहब हैं और जहाँ जो बच्चे जहाँ रह रहे हैं, वो इस फैसिलिटी का और जो उनको इस माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसका जो है अच्छी तरह से उपयोग करेंगे और मेहनत से पढ़ाई करके जहाँ का पुंछ का नाम जो है वो रोशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत उभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आप आए, तशरीफ लाएँ। जिस सिलसिले में जैसे आपने देखा कि डी सी साहब यहाँ पुंछ गुजर हॉस्टल में, उन्होंने अपना यहाँ दौरा किया। दौरे की गर्जो गायज ये थी कि गवर्नमेंट की जानिब से जो हर हॉस्टल में जो फंड प्रोवाइड किए गए थे, उसके लिए बच्चों को बेडिंग के आइटम जो थी, खासकर मतलब डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर, स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, मैट्रेस, बेड शीट, टॉप शीट, पिल्लो कवर, और ये कर्टेन, कारपेट वगैरह, ये पूरे सब बच्चों को ये इशू की गई। उसी सूरत में सिलसिले में डीसी साहब से कल मैंने रिक्वेस्ट की थी, और उन्हें यहाँ आकर देखा, वो सारी चीज़ें आपने हाथों से देखी जैसे आप मौजूद थे, और उन्हें यहाँ पूरी सेटिस्फिकेशन का मुजाहरा किया, और बच्चों को ये ताकीद की कि गवर्नमेंट जो आपके लिए इतनी कोशिश कर रही है, तो लिहाजा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ताकि जिस सिलसिले के लिए गवर्नमेंट की जानिब से फ़ंड दिए जा रहे हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हों, उसका सही बच्चों को बेनिफिट मिला जाए। तो ये उसी सिलसिले में जो है आज डीसी साहब की यहाँ विजिट थी, और मैं आपकी वजहतें थे यहाँ गवर्नमेंट का, खासकर ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर वक्त इन बैकवर्ड इलाका में रहने वाले बच्चों के लिए बहुत कोशिश की, और ये जो खासकर ये फैसिलिटी जो बच्चों के लिए मुहैया की गई हैं, मुझे उम्मीद है कि बच्चों का बेहतर फ्यूचर बनने में ये उसके लिए किसी कारगर साबित होंगी, और गवर्नमेंट की एफर्ट जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत बहुत हम आप गवर्नमेंट का शुक्र अदा करते हैं।